स्टार्ट हो गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स माई सेल्फ पंकज सर एच डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी बाबू सन बक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन संडवा दुबान साहबगंज प्रतापगढ़ बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग अपना एडोनोजिक ड्रग्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने एडोनैलिन और नार एडोनैलिन आप लोगों को बता दिया था आज हम आगे की ड्रग का डिस्कस करेंगे उनका स्ट्रक्चर नॉमन क्लेचर यूजर्स और उनका साइड इफ़ेक्ट इत्यादि के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको आपका मेन स्ट्रक्चर एडनेलिन और नॉर हो गया था अब हम बात करेंगे आइसोप्रनेलिन के बारे में तो चलते हैं अपने मेडिसिन के बारे में उसके स्ट्रक्चर और नॉमन से स्टार्ट करते हैं चलिए देखिए यहाँ पे ये हमारी जो है आइसोप्रनालिन मेडिसिन है आइसोप्रनालिन मेडिसिन में हमने आपको एडनेलिन पहले बता चुके हैं तो एडोनैलिन में आइसोप्रोनैलिन भी हमारा एक कैटाकोलामाइन न्यूक्लियस की ड्रग है तो इसमें सबसे पहली हेडिंग जो है ब्रांड नेम है ब्रांड नेम ने नहीं लिखा हुआ है ब्रांड नेम आप लोग लिख लीजिएगा दूसरी हेडिंग हमने बताया इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए ये कैटाकोलामाइन का न्यूक्लियस है किसका न्यूक्लियस है कैटाकोलामाइन का ये एक न्यूक्लियस है जिसमें आपके वन और टू नंबर पर क्या लगे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं उसके बाद हमने आपको बताया था कि दो कार्बन लगेगा दो कार्बन में पहले क्या रहेगा सी एच रहेगा फिर सी एस टू रहेगा इस वाले सी एच के ऊपर एक हाइडोक्सल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे एन एच लगा हुआ है और यहां पे क्या लगा सी एच और सी के बाद सी एस थ्री सी एस थ्री ध्यान से देखिए यहीं पे जब आपका सिर्फ सी एस थ्री लगा होता था तो ये सारा स्ट्रक्चर किस चीज़ का हो जाता था ये सारा स्ट्रक्चर एडनेलिन का हो जाता था यानी एडनेलिन में से आपने क्या किया दो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दिया यहाँ से क्या कर दिया दो हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद आपने दो सी एस थ्री लगा दिया एडनेलिन में तो वो आपका आइसोप्रनालिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा ध्यान से सुन लीजिए ये स्ट्रक्चर डिक्टो ऐ वैसे ही है जैसे कि आपका एडनेलिन का स्ट्रक्चर है, यहां से आपने दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया कितना हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके दो सीएस थ्री ग्रुप लगा दिया है तो आपका ये क्या हो गया आइसोप्रलिन हो गया और जब यही दो सीएस थ्री हटा के यहां पे दो हाइड्रोजन और जोड़ दें यानी यह सी एच है क्या हो जाए सीएस थ्री हो जाए तो ये स्ट्रक्चर आपका एडोनलिन का हो जाएगा चलिए अब हम इसके नोमक्लेचर की बात करते हैं तो ध्यान से रखिएगा इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है जो एडोनैलिन का लास्ट वाला सीए स्त्री है दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके दो सीएस थ्री लगा देना है तो हमारा सीएस्त्र आपका आइसोप्रोनैलिन ड्रग हो जाएगी यहाँ पे इस ड्रग के ऊपर स्टार बना हुआ है इसका यह मतलब है कि इस मेडिसिन का स्ट्रक्चर और नॉमन दोनों इम्पोर्टेंट है तो इनको दोनों को ध्यान से देखना है तो अगला जब हम चल रहे हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर नोम देख लीजिए इस मेडिसिन में तो सबसे पहले हमने इसकी नंबरिंग की है नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया ये वन टू पोजिशन टू पोजिशन थ्री पोजिशन फोर पोजिशन फाइव पोजिशन और सिक्स पोजिशन तो ये आपकी पोजिशन है तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस फोर नंबर की और जो भी चीजें हमने फोर नंबर से जुड़ी हुई हैं वो हमने क्या किया हुआ है उसको बड़े वाले ब्रेकेट में बंद किया हुआ है तो सबसे पहले हमने फोर लगाया फोर के बाद हमने क्या किया एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो यहाँ पे हमने वन टू थ्री फोर लिखा हुआ है इसके बाद वन टू जहाँ स्टार्ट किया हमने वन डैश और टू डैश का इस्तेमाल किया उसके बाद जहाँ स्टार्ट किया वहाँ वन डबल डैश टू डबल डैश स्टार्ट किया है ताकि आपको पता रहे कि नमन पेचर लिखते समय कौन सा नंबर कहाँ पर है तो हमने सबसे पहले फोर लगाया फोर लगाने के बाद एक बड़ा ब्रेकेट लगाया यानी फोर लिखने के बाद बड़ा ब्रेकेट लगाते हैं इसका ये मतलब हो जाता है कि इस चार नंबर से जो भी चूट चीज़ें यहाँ से यहाँ तक जड़ी हुई जुड़ी हुई हैं वो सब हमारे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है इसके, इसके नाम हमारा जो है इस बड़े ब्रेकेट के बाहर रहेगा तो सबसे पहले फोर लगाया फोर के बाद हमने क्या लिखा वन हाइड्रोक्सी तो यहाँ पे फोर लगाया फोर के बाद बड़ा ब्रेकेट लगाया फिर क्या लगाया वन हाइड्रोक्सी क्या लगाया वन हाइड्रोक्सी एक नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है फिर टू डैश लगा के मझला ब्रेकेट लगा दिया यानी टू डैश के बाद मझला ब्रेकेट लगाया यानी अब जो चीज़ें टू डैश के बाद जुड़ी हुई हैं वो सब किस में रहेंगी मंझले ब्रेकेट में रहेंगी तो हमने एक मजलो मझला ब्रेकेट लगाया फिर अंदर इस छोटा ब्रेकेट लगाया छोटा ब्रेकेट में बताया कि आपकी इस वन डैश से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ये सब किसमें रहेंगी छोटे ब्रेकेट में रहेंगी तो यहाँ पे वन डबल डैश यहाँ पे वन डबल डैश मिथाइल इथाइल एमिनो तो ध्यान से देखिए अगर हम इसकी नंबरिंग ऐसे कर रहे हैं यानी एक कार्बन ये हो गया दो कार्बन तो इथाइल कार्बन हो गया मतलब दो कार्बन हो गए और इसी पे क्या है एक आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या पढ़ेंगे हम इसे इसके लिए मिथाइल और इन दोनों के लिए क्या पढ़ेंगे इथाइल तो वन डैश पोजीशन पे इस वन डबल डैश पोजीशन पे मिथाइल हो गया और इथाइल हो गया यानी इसके लिए मिथाइल और इन दोनों के लिए क्या हो गया इथाइल और इस मिथाइल इथाइल हो गया और मिथाइल इथाइल हो गया इसके लिए और इस एनएच के लिए क्या लिख दिया हमने मिथाइल इथाइल ब्रेकेट उसके बाद इस एन के लिए क्या लिख दिया हमने एमिनो एमिनो लिखने के बाद हमने ये मजला ब्रेकेट यहाँ से बंद कर दिया यानी दो डबल डैश के बाद जो भी चीज़ें हैं मंजले ब्रेकेट में लिखी गई हैं वो सारी हमारे मजल ब्रेकेट के अंदर हैं उसके बाद इन दोनों कार्बन के लिए हमने क्या लिखा इथाइल लिख दिया इन दोनों इन दोनों कार्बन के लिए हमने क्या लिखा इथाइल लिख दिया उसके बाद हमने बड़ा वाला ब्रेकेट बंद कर दिया और उसके बाद फिर क्या देखते हैं फिर हम यहाँ पर आते हैं इसके लिए हम क्या लिख लेते बेंजीन तो ये हमारा क्या हो गया एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है और एक नंबर पे और दो नंबर पे क्या है डाई ऑल है क्या है डाई ऑल यानी दो एल्कोहल ग्रुप है इसलिए वन टू डाई ऑल तो ये हमारा इसका आपका नॉमन हो गया ध्यान से देखिए ये आपका स्ट्रक्चर नॉमन बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोप्रेनैलिन का और आपके एडेनैलिन का और इफेड्रिन का तो इसमें नमन क्लेचर में कुछ नहीं है बस आपको अगर एड का समझ में आ जाएगा तो आइसोपन का बड़े आराम से आ जाएगा मतलब हमने चार लिखा और चार से जो भी चीज़ें इस साइड में जुड़ी हुई हैं सब बड़े ब्रैकेट में लिखा फिर चार के बाद वन डैश हाइड्रोक्सी लिखा तो वन डैश हाइड्रोक्सी हो गया फिर हमने टू डैश लिखा यानी जो भी चीज़ें टू डैश से जुड़ी हुई हैं सब यहाँ पे मझोले ब्रैकेट के अंदर रहेंगी तो टू डैश उसके बाद हमने इसके अंदर एक छोटा ब्रेकेट लगाया उसके लिए क्या लिखा मिथाइल इथाइल लिख दिया फिर छोटा ब्रेकेट बंद अमीनो लिखा फिर मजोला अमीनो यहाँ तक लिखा अमीनो लिखा फिर बड़ा वाला मजोला ब्रेकेट बंद कर दिया उसके बाद हमने इन इन दोनों कार्बन के लिए इथाइल लिखा फिर बड़ा ब्रेकेट बंद कर दिया और इसके लिए फिर हमने क्या लिखा बेंजीन और इस बेंजीन में एक नंबर और दो नंबर पोजिशन पर क्या है एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है जिसमें वन टू डाई ऑल तो ये इसका नमन हो गया अब देख लीजिए इसका यूजेस देख लीजिए हमने इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखा हुआ है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आपकी और है वैसे ही आप लोग इसका फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा तो इस यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ें सिर्फ वही बताई जा रही हैं तो अब इनका देख लीजिए जो एक्शन है वो कैसा है तो पहला जो इनका एक्शन है सिंपैथोमाइमेटिक्स यानी जो आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ा देंगी ब्रॉन्कोडाइलेटर हैं यानी जो आपकी ब्रोंक्योल्स हैं उन, उनको फैला देंगी जिससे दमा में रिलैक्स होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देती हैं तथा तो फिजिकल एक्टिविटी और न्यूरोनल एक्टिविटी दोनों बढ़ जाती है अगला क्या है स्टीमूलेशन ऑफ़ हार्ट हार्ट को स्टीमूलेट कर देता है एंड कार्डियक आउटपुट एंड रेट यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और रेट भी बढ़ जाता है पेरीफेर वैसो होता है यानी जो हमारी पेरीफेर पे जो वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देता है और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है जैसा कि में इसका एडवर्स इफेक्ट होता है वैसा वैसा ही इसका इफेक्ट है और देख लीजिए क्या है प्रोलॉन्ग यूज इट में लीड्स टू रेजिस्टेंट अगर इसका लंबे समय तक uh, इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाती है रेजिस्टेंट हो जाती है एंड सीवियर डैमेज ऑफ टीथ यानी दाँत को दांतों को भी ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है तो ये इसमें ये वाला जो साइड इफेक्ट है और ये वाला जो साइड इफेक्ट है जैसे सीवियर डैमेज ऑफ टीथ ऑन प्रोलॉन्ग यूज़ इट में लीड्स टू रेजिस्टेंट यानी अगर इसका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाएगा तो रजिस्टेंट हो जाएगी और ज़्यादा इस्तेमाल करने पे ये पर यह दांतों के ऊपर बुरा प्रभाव डालती है तो ये हमारी मेडिसिन हो गई आइसोप्रोनैलिन अब हम अपनी अगली मेडिसिन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारी कौन सी है इफेड्रिन है तो इफेड्रिन में हमने ये बताया या

लगाइएगा यानी यहाँ पे CH लिखिएगा यहाँ पे CH लिख दीजिएगा और यहाँ पे सी लिख दीजिएगा और इस वाले अल्फा वाले कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दीजिएगा और इस वाले कार्बन के ऊपर NH और सी जोड़ दीजिएगा तो ये हो गया हमारा इफेड्रिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका नॉमन जब क्लेचर जब करेंगे तो इसको हमने अल्फा माना हुआ तो अल्फा लिख के हमने क्या हुआ बड़ा ब्रेकेट लगाया फिर हमने क्या लिखा इसमें एक नंबर पोजीशन पे पर क्या लिखा है हमने मिथाइल एमिनो ध्यान से देख लीजिए इसके लिए मिथाइल और इसके लिए अमीनो तो एक नंबर पे क्या लिखा मिथाइल एमिनो उसके बाद ब्रेकेट बंद कर दिया और इसके लिए क्या लिखा हमने इथाइल लिखा तो मिथाइल एमिनो और इसके लिए क्या लिखा हमने इथाइल ब्रेकेट बंद कर दिया और बेंजीन इसके लिए बेंजीन और इसके लिए ओ एच और सी के लिए क्या हमने लिखा मेथे तो ये आपका इसका क्या हो गया नमन हो गया अगला देख लीजिए ये क्या है आपका जो मेडिसिन है इफेड्रिन है ये एक क्या है एल्कलाइड है एल्कलाइड कुछ नहीं होता एक हाइड्रोजीन नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइट्रोजेनिस कंपाउंड होता है जिसकी वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं एल्कलाइड बोलते हैं तो इफेड्रिन इज़ अल्कलाइड ऑप्टेन फ्राम इफेड्रा सीनिका और इफेड्रा इक्विसेटिना ये जो है कि एक इफेड्रा इफेड्रासिका और इक, या इफेड्रा इक्विसेटिना से प्राप्त होने वाला एक अल्कलाइड है जिस फैमिली क्या होती है जेंटेसी होता है इसका स्टोरेज इस देख लीजिए इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर इसे हम अच्छी तरीके से बंद और वायुरोधी पात में रखते हैं प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट और हवा से दूर रखते हैं टेम्परेचर आर लेस देन एट डिग्री सेंटीग्रेड और कितने से कम तापमान होना चाहिए आठ डिग्री से कम तापमान होना चाहिए और अगर इसका जो यूज़ेज़ है वो थोड़ा देख लीजिए कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आ बहुत सी मार्केट में उपलब्ध हैं इफेड्रिन से की ड्रग और इफेड्रिन डेरिवेटिव ड्रग तो इसका जो मेन एक्शन है वो क्या है आपकी सिंपैथोमाइमेटिक्स होती है यानी आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके कार्य को क्या कर देती है कि uh, बढ़ा देती है और फिर uh, क्या है कि आपका कंट्रोल ऑफ हाइपोटेंशन और हाइपोटेंशन को भी कंट्रोल करती है कैसा हाइपोटेंशन विच एसोसिएटेड विद द एनेस्थीसिया और जो uh, uh, आपका हाइपोटेंशन एनेस्थीसिया से जुड़ा हुआ होता है उस हाइपोटेंशन uh, को ये कंट्रोल कर देती है माइड्रियाटिक होती है यानी आपकी पुतली को फैला देती है एलर्जिक रिएक्शन यानी बहुत से एलर्जी में इसका इस्तेमाल होता है एलर्जिक रिएक्शन को आ, सप्रेस करती है सीएनएस स्टिमुलेंट यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगी उत्तेजित करती है रिलीफ ऑफ नेजल डीकंजेशन यानी जब नाक जाम हो जाए तो नाक में नाक जाम से ये हमको क्या करती है रिलीफ दिलाती है हे फीवर में इसका इस्तेमाल होता है राइनिटिस यानी जब नाक अब बहने लगती है तब तो भी इसका इस्तेमाल होता है राइनाइटिस में साइनाइटिस मतलब जो नेजल सेप्टम होते हैं जो नेजल के ऊपर की जो दीवारें उसमें सर्दी के दौरान लाल हो जाती हैं और उसमें सूजन आ जाता है तो उसे क्या हो जाती है साइनाइटिस हो जाती है और इसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है एज एडीनेलिन जैसा एडनेलिन का एडवर्स इफेक्ट है वैसा ही इसका भी क्या है हमारा एडवर्स इफेक्ट है अगली जो मेडिसिन है वो हमारी कौन सी है फिनाइल फेरिन हाइड्रोक्लोराइड है फिनाइल फेरिन हाइड्रोक्लोराइड और एडनेलिन में क्या फ़र्क है अगर आप अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो डिक्टो ये एडनेलिन का स्ट्रक्चर है जैसा एडनेलिन का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही हमारा फिनाइल फेरिन का स्ट्रक्चर है लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे इस नंबर और यहाँ पे यहाँ पे पास पास क्या होता था दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते थे लेकिन यहाँ पे ये पोजिशन वाला

इसमें डबल हाइड्रॉक्सी ग्रुप होते थे लेकिन ये इसमें सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो ये भी आपका एक नॉन कैटाकोलाम ड्रग है क्यों क्योंकि इसमें एडजस्ट पोजिशन पे दो ग्रुप नहीं है आगे चलते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया नमन क्लेचर जी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग देखिए इस रिंग की तो ये तीन नंबर यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप यहीं पे है तो इसको जब तीन नंबर मिलेगा तो हम बाहर तीन लगा देंगे अर्थात अब तीन लिखने के बाद हम एक बड़ा ब्रेकेट बन लगाएंगे इसका ये मतलब होगा कि जितनी भी चीज़ें इस साइड चैन के रूप में बाहर से लिखी गई हैं इस बंजीन के बाहर वो सारी सब हमारी कहाँ पर आएंगी बड़े ब्रेकेट के अंदर आएंगे तो बड़ा ब्रेकेट लगाया फिर वन डैश कार्बन पे क्या है हमारा

को भी कंट्रोल करता है यानी मेंटेनेंस ऑफ हाइपोटेंशन में यूज होता है सर्कुलेटरी में जब सर्कुलेशन सर्कुलेटरीशन होता है तब भी इस्तेमाल होता है स्पाइनल स्पाइनल एनेस्थीसिया में में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं यानी जो जो एनेस्थेटिक लगती है या जनरल एनेस्थेटिक के साथ भी इसका इस्तेमाल करते हैं ड्रग इंड्यूज हाइपोटेंशन जब किसी ड्रग के साइड इफेक्ट्स के द्वारा ब्लड प्रेशर घट जाता है उस केस में भी फिनाइल फेरिन हाइड्रोक्लोराइड का बहुतायत में इस्तेमाल होता है ब्रोंकोडा यानी हमारे फेफड़ों के आपके जो ब्रोंकिया है, है या उनको फैला के हमें रिलीफ पहुंचाती है नाक बहने लगे तब भी इसका इस्तेमाल होता है और साइनाइटिस यानी नेजल सेप्टम और जो नाक की दिवाले हैं उसमें जब सूजन हो जाता है तब भी इसका इस्तेमाल होता है और साइड इफेक्ट क्या है एज ए एडनेलिन और जैसे कि एडनेलिन का साइड इफेक्ट है डिक्टो वैसे ही इसका भी साइड इफेक्ट होता है और लोकल डिस्कम्फर्ट यानी जिस स्थान पर इसको लगाते हैं वहां पर आराम नहीं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है तो ये लोकल डिस्कम्फर्ट करता है अब हम बात करते हैं सल ब्यूटा वाल की दिस मेडिसिन इज मोस्ट यूज इन द केस ऑफ अस्थमा सबसे ज्यादा चलने वाली अस्थमा की दवाई है और गवर्नमेंट इस मेडिसिन पे काफी सब सब्सिडी भी देती है और इसका जो ब्रांड नेम है वो तो अब मैं जान, सोच रहा हूं कि आप जान लीजिए इसका जो ब, बहुत चलने वाला ब्रांड है वो क्या है सिपला कंपनी का आस्था है क्या है वो आस्थालीन है ए एस टी एच ए एल आई एन दो एम और चार एम में आता है आस्थालीन तो इसका ब्रांड नेम एक आस्थालीन आप लोग याद कर लीजिएगा सिरप भी आता है आस्थालीन का तो ये बहुत चलने वाली मेडिसिन है ब्रोंकोडाइलेटर में बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है इसका, इसका साइड इफेक्ट ये है कि थोड़ा सा हाथ कांपने लगता है इस मेडिसिन को जब देते हैं लेकिन रिस्पॉन्स इस मेडिसिन का बहुत गजब है और बहुत अच्छा कार्य करती है ये मेडिसिन तो सलब्यूटामॉल की बात करते हैं सलब्यूटामॉल मतलब कि आस्थालीन की समझिए बात कर रहे हैं हम तो इसमें वही है कि आपका एक बेंजीन रिंग है और दूसरी क्या है आपकी साइड चेन है ध्यान से देखिए अभी तक जहाँ पे आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप देख रहे थे वो पे क्या-क्या देख रहे थे हाइड्रोक्सी ग्रुप कि आपका एक हाइड्रोक्सी ग्रुप इस पोजीशन पे होता था और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप इस पोजीशन पे होता था आ, तो अभी आप देख लीजिए इसमें कि आ, अब आपका आ, किस तरीके से होगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो किस तरीके से है तो ये यह आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्या है एक साइड चैन है तो बेंजीन रिंग में इस पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप और इस पोजीशन पे सी एस टू ओ एच यहाँ पे हो गया और अब आपका ये जो साइड चैन है साइड चैन में क्या था कि यहाँ पर आपका अगर एड्रेनलिन देखें तो यहाँ पर सी था तो उस साइड चैन में आपने तीन हाइड्रोजन रिप्लेस करके तीन सी ग्रुप लगा दिया तो जो एडनेलिन से इसे से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन रिप्लेस करके तीन CH3 ग्रुप लगाया और उस बेंजीन रिंग में यहाँ पे जो एडजेसेंट पोजीशन पे दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप थे वो यहाँ पे पास इस नंबर पोजीशन से एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा के इसके जस्ट ऊपर टू CH2OH कर दिया गया है तो ये आपका सलब्यूटामाॉल हो गया नोमेनक्लेचर देख लीजिए तो सबसे पहले हम 1 डैश के बारे में बात कर रहे हैं तो 1-1 डाइमिथाइल इथाइल तो यहां पे 1 क्या है यहां पे हमने एक छोटा ब्रैकेट लगाया फिर दो बार लिखा wonders छोटा ब्रैकेट के अंदर यानी आ, दो बार हमने लिखा है मिथाई इसलिए वन डबल डैश दो बार लग गया है तो वन डबल डैश वन डबल डैश डाई मेथिल यानी दो के लिए डाई मेथिल और इस एक कार्बन और दो कार्बन के लिए क्या हो गया इथाइल ग्रुप हो गया तो क्या है वन वन डाई मेथिल और इथाइल तो ये हो गया और उसके बाद छोटा ब्रेकेट बंद कर दिया फिर हमने क्या लिखा इसके लिए अमीनो लिखा फिर हमने क्या किया मझला ब्रेकेट बंद कर दिया और फिर हमने क्या लिखा कि इस सी एस टू के लिए हमने क्या लिखा मिथाइल लिखा इस सी एस के लिए हमने मिथाइल लिखा और मिथाइल लिखने के बाद हमने क्या कर दिया ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया फिर हम क्या देखते हैं कि चार फोर नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो आप ये देख लीजिए इस बेंजीन में चार नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसलिए फोर हाइड्रोक्सी फोर हाइड्रोक्सी बेंजीन फोर फोर हाइड्रोक्सी आ, बेंजीन आ, आ, बेंजीन है आ, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं इसका नोमेंट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब है तो मैं एक बार फिर से देख के आपको बता दूंगा और इसका जो यूज़ है वो देख लीजिए क्या है सिंपैथोमायमेटिक्स इसका इस्तेमाल होता है ब्रोंकोडाइलेटर है यानी ब्रोंकाई को ये फैलाने का कार्य करता है और प्रिवेंसन ऑफ प्रीमेच्योर लेबर जब कभी बच्चा नौ महीने से पहले हो जाता है या होने के चांसेस होते हैं उस केस में इस उस प्रीमेच्योर लेबर से यह बचाव करता है और बेस ऑफ एरोसोल इनहेल जो एरोसॉल इनहेलर होता है उसका यह बेस होता है और जो इसका साइड इफेक्ट है वो क्या है आपका एड्रेनालिन लाइक इसका जो साइड इफेक्ट होता है अब हम बात करेंगे इसकी जो इस क्लास की जो लास्ट मेडिसिन है वो कौन सी है आपकी सीडो इफेड्रिन है तो जैसे ही आपकी इफेड्रिन होती है एकदम डिक्टो वैसे ही आपकी सीडो इफेड्रिन होती है यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इफेड्रिन आपको ये इफेड्रिन का स्ट्रक्चर देख रहा है तो इफेड्रिन के स्ट्रक्चर में यहाँ ओ OH एच नीचे है और इस सीडो इफेड्रिन में क्या कहाँ है ये ओ OH एच ऊपर है बाकी ये डिक्टो स्ट्रक्चर में इसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा और इफेड्रिन का जो नॉमन हमने बताया वही नॉमन आप सीडो में भी लिख देंगे आ... इसका जो एक्शन होता वो है वो सिमिलर एक्शन है एज ए इफेड्रिन जैसे इफेड्रिन का एक्शन होता है वैसे ही सीडो इफेड्रिन का भी एक्शन होता है स्ट्रक्चर में सिर्फ कुछ अंतर नहीं है जो इफेड्रिन है उसमें नीचे ओ एच है और जो सीडो इफेड्रिन है उसमें ऊपर एच ओ है होया आ, इसको आइसोमेरिज्म में बताएं तो आपको लिवोडेस्टो के रूप में बताना पड़ेगा इन एनसियोम के रूप में बताना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर अभी मैं बता नहीं रहा हूँ उसको क्योंकि ये डिप्लोमा फार्मेसी के स्तर का बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा फिर आप इतना समझिए कि ऊपर नीचे से ही समझ लीजिए ठीक है इसका जो सिमिलर एक्शन होगा एज इफेड्रिन होगा और लेस प्रेशर एक्टिविटी ऑन सी एन एस सी एन एस पे कार्य करेगा लेकिन इफेड्रिन से कम काम करेगा है यानी ब्रोंकाई को फैलाएगा यानी अस्थमा में रिलीफ फैलाएगा एंड लेस एक्टिव फॉर द इंक्रीज द ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर तो बढ़ाता है ब्लड प्रेशर तो बढ़ाता है लेकिन एडोनिन की सॉरी इफेड्रिन की तुलना में कम फैलाता है तो ये आपकी मेडिसिन हो गई इसके बाद में आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे कि किस तरीके से आपको इस क्लास की सारी मेडिसिन याद करनी है फ़िलहाल के लिए इतना ही थैंक यू कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं धन्यवाद और आ...